दोस्तों जंगल में हर रोज वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है। कोई कमजोर पड़ जाता है तो कोई किसी पे भारी पड़ जाता है, कोई किसी को अपना शिकार बनाता है तो कोई शिकार होते जानवरों की जान बचाता है। वैसे ही आज के इस वीडियो में मैं आपको एनिमल्स के जबरदस्त इनक्रेडिबल सीन दिखाने वाला हूँ, जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाने वाले हो। तो चलिए बिना देर के बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। टॉप 10 इनक्रेडिबल मोमेंट्स इन फॉरेस्ट। यहाँ देखिए, ये जगुआर जंगल की तरफ आस्ते आस्ते बढ़ रहा है। दिखने में ये काफी भूखा भी लग रहा है, फिर चलते चलते ये थक जाता है, फिर थक कर नदी के ऊंचे किनारे पर आकर बैठ जाता है। फिर बैठे बैठे इसकी निगाह पानी में मौजूद क्रोकोडाइल पे पड़ जाती है और तभी चीता इसके शिकार के लिए बिना किसी फियर के पानी में जंप कर देता है और वाटर किंग कहे जाने वाले क्रोकोडाइल का पानी में ही शिकार हो जाता है। दोस्तों चीते का ये वायरल सीन आपने एक बार तो जरूर देखा होगा। खैर जो भी कहिए, चीते का ये सीन देखकर तो मजा ही आ जाता है। यहाँ ये सारे डियर छोटे से तालाब में पानी पी रहे होते हैं और इस तालाब के किनारे पे सारे क्रोकोडाइल रेस्ट कर रहे होते हैं। इतने में एक मगरमच्छ इन डियर्स को देखते हुए चुपके चुपके पानी में स्विम करते हुए आने लगता है। तभी इतने में एक डियर को इसकी भनक लग जाती है और फिर ये अपने जान बचाने के डर से भागने लगते हैं। पर अफसोस की बात ये थी कि डियर चार ओर क्रोकोडाइल से घिर चुका था और आखिर में भागते भागते जस्ट किनारे पे मगरमच्छ इस पे हमला कर ही देता है। लेकिन तभी पानी में मौजूद हिप्पो मगरमच्छ का सारा कारनामा देख लेता है और फिर इस मासूम से हिरन को मगरमच्छ के चुंगल से छुड़ाने भिड़ जाता है और फाइनली हिप्पो हिरन की जान बचा ही देता है। दोस्तों इस हिप्पो के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ कुछ लायंस इस बफेलो को अपना शिकार बनाना चाहते हैं। तब तक इतने में बफेलो का झुंड आता है और इन लायंस को खदेड़ देता है। अब जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ दो लायंस बैठकर पानी पी रहे बफेलो हर्ट को देख रहे हैं। फिर कुछ देर बाद जब इनकी संख्या कम हो जाती है तब इन्हें शिकार बनाने के लिए दोनों अपना पोजीशन बना लेते हैं। फिर कुछ देर बाद यहाँ अकेला एक यंग बफेलो बच जाता है जो इन लायंस के लिए इजी टारगेट बन जाता है। अब अंत में ये लायन इस पर हमला करने दौड़ जाता है। अब जरा ध्यान से देखिए, इस लायन को और कोई बफेलो नजर ही नहीं आता, वो सीधा यंग बफेलो की तरफ दौड़ जाता है। लेकिन जैसे ही लायन इस पे काबू पाने वाला ही होता है कि तब तक इतने में एक बड़ा सा बफेलो आता है और इसे मारते मारते खदेड़ देता है और इस यंग बफेलो की जान बच जाती है। यहाँ विल्ड बीस्ट पानी पी रहे होते हैं और वहीं उनके पास ही उनका दुश्मन मौजूद होता है जिसकी इनको भनक तक नहीं होती और इतने में ये मगरमच्छ इन पर हमला कर देता है। अब जान बचाने के डर से सारे विल्ड बीस्ट वहां से भाग निकलते हैं पर बेचारा एक विल्ड बीस्ट का पैर इसके चपेट में आ जाता है। अब ये बेचारा अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देता है पर क्रोकोडाइल इतनी मजबूती से इसका पैर को पकड़े होता है कि वो इसे छुड़ा नहीं पाता। यहाँ सारे विल्ड बीस्ट इस बेचारे को मजबूर पाकर भी इसके मदद को नहीं आते। लेकिन वहीं मौजूद हिप्पो को इसका परेशानी देखा नहीं जाता, फिर वो तुरंत आकर मगरमच्छ के कैद से इस मासूम से विल्ड बीस्ट को छुड़ा देता है। दोस्तों इस हिप्पो के लिए एक लाइक तो बनता है। यहाँ देखिए, यहाँ सारे जबरदस्त खड़े रहते हैं और इनकी निगाहें लायंस की तरफ रहती हैं। इन्हें उस टाइम पे लायंस से खतरा महसूस होता है जिससे ये चौकन्ना रहते हैं और इतने में ये लायंस इन जेब्रास को चार ओर से घेरना स्टार्ट कर देते हैं। पर अभी भी ये जेब्रास एकदम फ्री माइंड होकर जंगल की सैर करते हैं। लेकिन इतने में इन जेब्रास की नजर लायंस की फील्डिंग पे पड़ जाती है। फिर क्या था, सारे जेब्रास भागना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन भागते भागते एक जेब्रा इनके हाथ आ ही जाता है जो उस दिन का इनका निवाला बन जाता है। यहाँ बफेलोस का पूरा झुंड पानी पीने आया होता है। इतने में चार पांच लायंस इन्हें घेर लेते हैं पर इतने में एक लायन इनके हाथ चढ़ जाता है। फिर सारे बफेलोस इसे उछाल उछाल फेंकते हैं और इसे तब तक उछालते और फेंकते हैं जब तक ये मर नहीं जाता। कुछ तो इनमें इतने गुस्से होते हैं कि इसे मारने के बाद भी मारते हैं। यहाँ एक बेबी मंकी पेड़ के डालियों से खेल रहा होता है और इसके जस्ट थोड़ी ही दूर पे खड़ा ये लियोपॉड इसे टारगेट कर रहा होता है। बस कुछ ही देर बाद ये मंकी का शिकार करने पेड़ पर चढ़ जाता है और ये बेबी मंकी काफी चालाक निकलता है। ये सीधे पेड़ के लास्ट डाली पे लटक जाता है। अब लास्ट छोड़ के डाली तो काफी कमजोर होती है जिसके डर से चीता वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। चीता लाख कोशिश करता है मंकी को पाने का पर अफसोस वो इस बेबी मंकी का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। फिर अंत में लियोपॉड हार मान के उतरने लगता है। तब तक उस पेड़ पर बंदर की मां आ जाती है। अब चीता उसे देखकर डर के मारे भाग जाता है। यहाँ ये लायंस पानी पीने आई होती है लेकिन तभी इसे आसपास बैठे मंकीज की चहचहाने की आवाज सुनाई देती है। फिर ये चुपके से जंगल में छिपकर इन मंकीज को घूरने लगती है। तभी एक मंकी की निगाह इस लायंस पे पड़ जाती है। बस इतने में सारे मंकीज के अंदर खलबली मच जाती है और सारे वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं और तभी लायंस शिकार करने के लिए इनका पीछा करना स्टार्ट कर देती है। पीछा करते करते आखिर एक मंकी इसके हाथ आ ही जाता है जो इसका उस दिन का निवाला बन जाता है। यहाँ एक लायन जेब्रा को शिकार बनाना चाह रहा था पर जेब्रा दौड़ने में लायन को एक जबरदस्त किक मार देता है जिससे लायन गिर जाता है और उसकी हिम्मत टूट जाती है। फिर यहाँ देखिए, ये लायन इस जेब्रा को निवाला बनाने के लिए पूरी कोशिश में लगा रहता है पर जेब्रा हिम्मत नहीं हारता। वो लायन के चुंगल से बचने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है और जैसे तैसे लायन से उसकी जान बच जाती है।
दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिए, यहाँ एक डॉग अपने रास्ते जा रहा होता है, तभी बीच रास्ते में लॉयनेस से उसकी टक्कर हो जाती है, जिससे वो इस पे हमले करने लगती है, लेकिन डॉग किसी तरह अपनी जान बचाकर निकल जाता है। दोस्तों डोगो अर्जेंटिनो शेर जैसे खतरनाक जानवर से पंगा लेने के लिए जाने जाते हैं। अब जरा यहाँ देखिए, लगता है जगुआर गलत जगह पंगा ले लिया। यहाँ जगुआर फुल कॉन्फिडेंस के साथ आ तो जाता है, उसे लगता है हम इन डॉग्स को डरा धमका के भगा देंगे, लेकिन हो जाता है उल्टा। यहाँ ये तीनों डॉग्स इस जगुआर पे भिड़ जाते हैं और इसमें अकेला डोगो अर्जेंटिनो ही जगुआर पे भारी पड़ जाता है। तो दोस्तों ये थे जानवरों के 10 इनक्रेडिबल सीन। वैसे आपको इनमें सबसे जबरदस्त सीन कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक रखिए अपना ख्याल, मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ।